आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। सशक्त भारत का हिस्सा है स्वस्थ भारत अभियान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पल्स पोलियो अभियान का किया शुभारंभ। कहा, पोलियो भारत में उन्मूलित, फिर भी पूरी दुनिया से बीमारी समाप्त होने तक जारी रहेगा अभियान। बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाकर सीएम योगी ने पोलियो रोधी अभियान का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने बच्चों को खूब दुलार कर उन्हें उपहार में प्रदान किए खिलौने व चॉकलेट। सीएमओ ने कहा, सोमवार से पल्स पोलियो अभियान के तहत जिले के 8,80,000 घरों तक पहुंचेंगे स्वास्थ्य विभाग की टीम। 6,83,000 बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो की खुराक। जिला अस्पताल से पल्स पोलियो अभियान के प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया रवाना। कहा, यह प्रचार वाहन जनपद के हर क्षेत्र में जाकर लोगों को पल्स पोलियो अभियान के प्रति करेगा जागरूक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न स्टालों का किया अवलोकन। बच्चों को कराया अन्नप्राशन। स्टालों पर खड़े स्वास्थ्य कर्मियों से उनके कार्यों की ली जानकारी। नशे में सड़क पर मारपीट कर शांति भंग करने वाले 11 अभियुक्तों को राजघाट पुलिस ने किया गिरफ्तार। शांति भंग में किया गया पाबंद। गोरखपुर में रविवार को पाए गए 2 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में अब एक्टिव केस की संख्या हुई 214। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने की पुष्टि। अपराध मुक्त प्रदेश का सिंबल बन चुके बुलडोजर के प्रतीक स्वरूप चांदी के बुलडोजर को कपड़ा व्यापारी संजय शाह एवं शंभू शाह ने सीएम योगी को किया गिफ्ट। कहा, अब हर अपराधी में है डर, कुछ भी गलत करेंगे तो चल जाएगा बुलडोजर। और लक्ष्य स्पोर्ट्स एकेडमी की तरफ से 6वां ऑल इंडिया प्राइज मनी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। DASCB व उत्तराखंड के बीच खेला गया मैच। DASCB ने उत्तराखंड की टीम को 51 रन से हराकर किया जीत हासिल।